सो अभी मैं फ्रेंड्स भागलपुर में हूँ। भागलपुर रेलवे स्टेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पीछे भागलपुर जंक्शन लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं अभी भागलपुर में हूँ और आप सभी को दिखा दूँ भागलपुर स्टेशन का क्या स्थिति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भागलपुर का स्थिति है, भागलपुर स्टेशन है। मैं अभी यहाँ पर आया हूँ भागलपुर, तो थोड़ा स्टेशन पे हम आप सभी को दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं भागलपुर स्टेशन। तो अब हम भागलपुर से कुछ दूरी पर है सैंडिस कंपाउंड, जो कि भागलपुर में स्थित है। तो हम अभी आ चुके हैं सैंडिस कंपाउंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बंदर जो है कि यहाँ पे हुड़दंग मचाए हुए हैं। तो आप सभी को हम दिखाते हैं जूम करके, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर है आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ का कुछ मौसम और हरियाली देखने लायक है, यहाँ की सुंदरता काफ़ी मशहूर है। और आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी आ चुकी है और हम नाश्ते कर रहे थे, तो उसको मैं नाश्ता दिया हूँ। तो वह देखिए किस प्रकार नाश्ता कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यह गिलहरी है, और आप सब इसको किस नाम से पुकारते हैं शायद मुझे पता नहीं। तो ये देखिए किस प्रकार यह खा रहा है। तो आप आगे देखिए, यहाँ का जो सैंडिस कंपाउंड का नज़ारा है आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ काफ़ी सारे पेड़, हरियाली, बहुत सारे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर देखने लायक नज़ारा है फ्रेंड्स। तो आप सभी अगर आना चाहते हैं तो आप भी आकर यहाँ पे घूम सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर हरियाली है। और अब हम आपको बता दें कि मैं इस जगह हूँ, काफ़ी घना जंगल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं अभी घूमने आया हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना सारा जंगल है, और यहाँ काफ़ी जो है कि हरियाली है और देखने में काफ़ी सुंदर है। और आके यहाँ पे आप काफ़ी समय बिता सकते हैं। आप अगर थक जाएं तो आप यहाँ पे आ सक के आराम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हरियाली है, काफ़ी सारा हरियाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा का पूरा जो है कि सैंडिस कंपाउंड में हरियाली ही हरियाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है, आप घूम सकते हैं, और चाहे तो आप सेल्फी भी ले सकते हैं, यहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है कि काफ़ी सारे जंगल आपको दिखा दूँ, और देखने में काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल जगह है ये। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है कि यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं यहाँ घूमने के लिए तो आप आ सकते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन से आपको सैंडिस कंपाउंड का मात्र 10 रुपया लगेगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं बहुत सुंदर सा नज़ारा। तो यह देखिए हमारे पीछे जो है यह बहुत सुंदर है, और यहाँ इसका जो है डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी मशहूर है। हम आपको पीछे की ओर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे सीढ़ी जो बना हुआ है काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, और इसके नीचे फूल तरह तरह के लगे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, और यह क्या चीज़ है हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो चलिए हम कुछ ऊपर चलते हैं इनके, और आपको दिखाते हैं यहाँ का दृश्य जो देखने लायक काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए हम आ चुके हैं थोड़ा ऊपर, और आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए यह जो नज़ारा है बना हुआ है कितना सुंदर है। और हम आपको अभी जो लेके गए थे वहीं पे लेके गए थे, और आपको वहीं से यह नज़ारा दिखा रहे थे। तो चलिए अब हम फिर से आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना हरियाली लगा हुआ है, कितना सुंदर मशहूर जगह है, आप
घूम सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं फिर से उसी जगह जहाँ पे आपको हम लेके आए थे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे योगा आश्रम है, आप यहाँ सवेरे योगा भी कर सकते हैं, यहाँ आश्रम बना हुआ है, आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सुअर नज़र आ रहा है। तो चलिए हम उसी सीढ़ी पर फिर से आ गए और यहाँ पे जो है तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनका क्या नाम है। आपको यहाँ का गेट नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ इनका गेट है और आपको इसमें भारत का नक्शा शेर का जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 रुपये के सिक्के में जो होता है फोटो, वही आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और आपको हम दिखाते हैं कि यह क्या है, इसका नाम क्या है। तो चलिए हम पीछे से आपको दिखाते हैं और नीचे हम इनसे बाहर आ चुके हैं और अब हम आपको दिखाते हैं इसका नाम क्या है। गेट में लिखा हुआ है, दरवाजे पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ पे क्या है, नेहरू मेमोरियल। तो आप देखिए नेहरू मेमोरियल हॉल यह है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और काफ़ी सारा देखने लायक चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेहरू मेमोरियल, आपको काफ़ी सुंदर देखने में लगेगा। तो हम अब चलते हैं, उनके नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, अब हम चलते हैं वहाँ से और आपको वहाँ का फिर से नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर है जगह फ्रेंड्स, आप आकर एक बार ज़रूर आप यहाँ पे घूम सकते हैं, देखने लायक काफ़ी सुंदर जगह है। यह भागलपुर से आप आ सकते हैं, यह भागलपुर में स्थित है और काफ़ी सुंदर है। यह सैंडिस कंपाउंड के नाम से यह जगह है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी हरियाली है, यहाँ पे आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी, तो आप इसमें घूम सकते हैं, कई घंटों आप यहाँ पे बिता सकते हैं। काफ़ी सुंदर जगह और देखने लायक दृश्य है, आप यहाँ पे सेल्फी भी खींचवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको हम दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। तो यहाँ देखिए ऊपर में जैसे सिनेमेटिक सीन आपको फिल्म में दिखाया जाता है, उसी प्रकार का यहाँ भी दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यह जो कैमरे का लेंस से हम ऊपर करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और घूम सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लाए हैं, यहाँ पे क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक जानवर हमको नज़र आया, इसमें जो है कि सिंह आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वह जानवर कौन सा है, मुझे तो पता नहीं है लेकिन हम यहाँ पे आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको यह जानवर देखिए कौन सा है, तो इसको हम पहचानते नहीं, इसमें सिर्फ एक ही सिंह आपको बीच में नज़र आएगा। तो आप देखिए जूम करके हम आपको दिखाते हैं।